सो गाइस अभी आ गए यार, मैंने परिंदों को तो खोल दिया। ये रहा हमारा कल वाला मुर्गा, ये मेरी पुरानी मुर्गी है। और इस वीडियो में दुख की बात भी है, और ये रहे मेरे पैरेट्स। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप के आप सब ठीक होंगे, रासे भाई है हैडिया से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज की व्लॉग में मैं आप सभी को खुशामदीद करता हूं। आज का व्लॉग में मैंने क्या करना है कि मैंने अपना न्यू समय पिजन है, जो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। वो पिजन जो सा मेरे पास दो है पिजन आए थे, उसमें से यार अफसोस की बात यह, दुख की बात यह कि एक पिजन मर गया है, तो लेकिन मैंने जो सोचा ना कि उसको हम ना, वो हमारे सामने एक सेटअप है जिसका सेटअप का ओनर जिसका नाम है बिलाल भाई, वो इसका नाम है बिलाल भाई उसका नाम है। तो इधर से हम अपना पिजन पकड़ेंगे, उसको दे आएंगे और उसके सेटअप पे छोड़ेंगे, और उसके सेटअप का विजिट भी कराएंगे। उसके बाद काफ़ी पिजन था, उसके साथ ही खुशी खुशी रहेगा। तो मुझे भी इस तरह खुशी होगी कि मेरा पिजन अगर वहाँ पे जाएगा खुशी खुशी रहेगा, ऐसी खुशी अगर उसके यानी कि अच्छा लगेगा। वैसे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसकी, जो उनसे मैंने बनाई है, उसकी फीमेल जो उनसे मरी थी, तो वीडियो देख लीजिएगा। मर गया यार दोस्तों, ये वो तो अजीब हुआ, मरना नहीं था चाहिए इसको, लेकिन ये मर गया बेचारा। हमारा मेल केला हो गया, वो घूम रहा है। आई होप कि आप सभी दोस्तों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो यार आपने वीडियो देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से यार वो बेचारी मर गई है। तो यार ये जब वो मरी थी तो इतना दुखी हो गया था, सैड हो गया था। उसके पास आपने देखा किस तरह से उसके पास है यार, उसके पास कितना किस तरह से बैठ गया, घूम रहा था उसके पास। मैं आप ज़्यादा करीब था इसलिए वो उसके ज़्यादा पास भी नहीं आया। तो यार छोड़ो इन बातों को, अभी मैंने इसको लेकर जाना वो भाई के पास, भाई के पास जाके उसको छोड़ेंगे तो देखेंगे क्या करते हैं वहाँ पे जाके। मैं आपको वो भाई की शादी कर दूँ पहले, हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है वो, देखें वो छत है, वहाँ पर हमने उसको देना। ये जनसी आपको नज़र आ रही होगी, ये सामने ये चाहता जिधर मेरा हाथ भी है, तो इधर जाना हमने, इधर उसको देना है। और उसके अलावा यार ये मेरे पैरेट्स बैठे हुए हैं, पैरेट्स दोनों यानी कि बजीज। तो इसके अलावा हमारे से छत पे आज मेहमान भी आए हैं, कुछ मेहमान आया, वो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। इसका तो आपको पता ही है, इसका मैंने आपसे पहले ही मिलाया था, अस्सलाम वालेकुम नाहिला पी। ये मेरी छोटी बहन से छोटी सिस्टर है, स्मॉल सिस्टर। और उसके बाद इनसे मिलिए, ये हमारे चाचू हैं, अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है सर? और सुनाए, ये हमारे चाचू हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो ना, हमारे चाचू माशाल्लाह से। तो इसके अलावा परिंदों से तो आपने मिल ही लिया। तो यार आज मैं आपको इनका, उधर चलते हैं अपने पिजन को पकड़ते हैं, उसके पास लेके जाते हैं। मैं आपको अपना पिजन दिखा देता हूँ पहले, वो देख आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से उधर बैठा हुआ। ये देखो यार, केला बेचारा उदास होकर इधर बैठा हुआ, ये देखो। अरे बस सुन, इधर अब तो इसके काफ़ी पड़ भी आ गए, उड़ने भी लग गया काफ़ी। ये देखो ना, अरे रुक जा, बस सुन, खा गया तो। ये देखो यार, अब तो काफ़ी उड़ने भी लग गया। मैं लाऊंगा ज़रूर उसको, मैं उस भाई को कहूंगा कि मुझे ना यार इसके बच्चे जो उनसे होंगे ना, मुझे बच्चे के बच्चे देने हैं, इसके बेबीज लेंगे उससे इंशाल्लाह। अभी जाके देखते हैं, अगर उसके पास कोई और बच्चे निकले हैं किसी और परिंदे के तो वो ले लेते हैं उससे। चलो यार चलते हैं फिर। तो यार अभी फाइनली हम सारी फार्म जो उनसे सारे हम नीचे जा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इससे भी मिलवाऊंगा, इसका भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये देखो यार, ये कबूतर को किस तरह से पाड़ रही है, हाउ 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 हाउ। सो फाइनली गाइस, इसको हम इधर ले आए हैं, इसको छोड़ दिया। और इधर ये भी है मुर्गी, दोनों मुर्गे भी हैं, चूजे भी हैं इधर। और ये बिलाल भाई का कबूतर है माशाल्लाह से। सो माशाल्लाह से एक ये है फीमेल है, ये देखें माशाल्लाह से इसका एक बच्चा भी निकला हुआ,
निकला हुआ बच्चा ये देखे माशाल्लाह अभी अभी बच्चा निकला ये देखे अभी ये देखे माशाल्लाह अभी अभी थोड़ी देर पहले इसका बच्चा निकला यार ये देखिए माशाल्लाह कितना स्वीट है कितना प्यारा इसको हम वापस रख देते हैं ज़्यादा तंग नहीं करते इसको फीड भी माशाल्लाह उसने कराई है ये इसके अंडे का छिलका इसको भी इधर ही रख देते हैं साइड पे तो इसके अलावा ये है इनके पास काफ़ी इनके पिजन्स भाग गए हैं छिलका बाहर फेंक दें इसको बाहर फेंक देते हैं छिलका तो यार इनके पास काफ़ी आए थे पिजन्स तो अब काफ़ी कम रह गए हैं बिलाल भी पहले आपके पास एक बच्चा आया था वो किधर है उनका बच्चा यार एक भी ले गया एक ये पेड़ बैठा होगा तो इसके नीचे देखते हैं अंडे हैं कि बच्चे हैं अभी इसके नीचे अंडे ही मुझे लग रहे हैं अंडे हैं कि बच्चे हैं नीचे अंडे ही हैं उसके अलावा ये चार अंडे पड़े हुए हैं किसी का मेल भाग गया किसी की फीमेल भाग गया और ये अंडे भी अब कोई नहीं सीख रहे चारों के अंदर ही बच्चे हैं दोस्तों तो बिलाल भाई ये जिस मादी ने बच्चा निकाला उस मादी के नीचे रख दो चार अंडे के नहीं टोटली इनके पास हैं काफ़ी हैं पहले इनके पास बहुत ज़्यादा थे 70-80 इनके पास पिजन थे वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसके साथ ही ना मैच करके आपको वही वीडियो दिखाता हूँ मैं बिलाल भाई के पास पड़ी होगी कोई ना कोई वीडियो तो अब इनके पास यही 4 से 5 पिजन रह गए हैं और ये 2 एक बच्चा निकला अभी तो एक मैंने इनको अपना दिया उम्मीद है बहुत जल्दी इनके पास ज़्यादा हो जाएंगे फिर से तो यार अंडे देखो इनके कितने ख़राब हो गए हैं अंडे भी ये देखो बच्चा कितना क्यूट है माशाल्लाह उसके बाद इसके अंदर से भी 1-2 दिन के अंदर से इसके अंदर भी निकलेगा बच्चा तो यार ये मेरा कबूतर गया अंदर आए ये मेरा कबूतर है वो देखो उनके साथ किस तरह से उनके पास चले गया पांच हो गए हैं उनके पास और एक ये बच्चा 6 बच्चे मुझे बहुत क्यूट लगा यार ये वाला चल यार हिल जुल वो फीमेल बैठी हुई है ये बड़ी प्यारी स्लेटी फीमेल बड़ी अच्छी है ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली फिर ये मेरा पिजन इधर आ गया इसका और इसका पेड़ बड़ा प्यारा लगेगा चलो अब इनकी मर्जी जिसके मर्जी के साथ लगाएं इनका ही हो गया एक पेड़ इधर नीचे है Minutes later. तो यार ये देखो मैं किसी दूसरे भाई के सेटअप पे आया हूँ पहला वो सेटअप था अब इधर आए हैं वो जिनसा हमारे घर के सामने जाल है जिनसा वहाँ पे आए हैं हम सेटअप तो यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास सील मुर्गे भी हैं माशाल्लाह आप देखें कितने प्यारे हैं तो ये 3 मुर्गे इधर यानी कि सॉरी 2 मुर्गे और 1 मुर्गी है इधर कौन सी नस्ल है सलमान भाई थाई असली बात ये है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है ना भाई क्या क्या नाम है इनके यार तो इसके अलावा ये हैं ये माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं ये देखो यार मुर्गा देखो कितनी पावर में है माशाल्लाह और ये उसकी फीमेल है और उसके साथ एक 2 फीमेल है यार इनके पास पिजन्स भी काफ़ी हैं ये देखें माशाल्लाह से पिजन काफ़ी अच्छा माशाल्लाह उन्होंने सेटअप लगाया हुआ ये देखो यार आते बैठी ये वाली सामान भी भाई वो देखें कहाँ पे चलेगी इधर चलेगी वो बहुत अच्छा लगेगा ये देखें बच्चे भी आए इसके अलावा ऊपर भी बैठे हुए हैं जाल के अंदर ये जाली कबूतर है जाल वाले हैं A few moments later. तो यार हम वहाँ से फारिग होके दूसरे सेटअप सॉरी तीसरे सेटअप पे आ गए हैं तो यार यहाँ पे पहुँचते हमें 2 घंटे लग गए और ये पिजन का सेटअप है इनके पास टैडी सेठ वाले टैडी कबूतर हैं बड़े अच्छे अच्छे उड़ने वाले कबूतर हैं तो ये मैं आपको सेटअप का विज़िट कराऊँगा इसके अंदर बच्चे भी हैं काफ़ी तो देखिएगा
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इधर माशाल्लाह उन्होंने बच्चे भी निकाले हुए हैं, ये देखें ये बच्चे हैं, यहाँ के जीजू वगैरह लगाए हुए हैं, इसके अलावा वो बैठा हुआ है। ये माशाल्लाह सारे उड़ने वाले कबूतर हैं, अच्छे वाले, ये देखें बड़े अच्छे पिजन है यार। इधर उन्होंने जगह दी है इनके खुले खुला फिरने के लिए, बहुत ही अच्छे पिजन है यार इधर, बहुत ही अच्छे। ये देखें इधर भी बैठी हुई है फीमेल अंडों पे, ये मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें इसके अलावा ये वाइल्ड भी हैं काफ़ी, ये ऊपर बैठे हुए हैं। बड़े अच्छे कबूतर हैं यार, सारे उड़ने वाले टैडी कबूतर भी हैं, सेठों वाले बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े महंगे कबूतर हैं, तो बड़े अच्छे कबूतर हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। विजिट करूँगा इसी तरह, आपको विजिट कराता रहूँगा मेरे चैनल को, आप लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी पुश कर देना। ये देखो यार कितने कितने प्यारे कितने कितने जात के कबूतर हैं, अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय।